This is the circuit diagram for the capacitor start motor. इसमें भी हमने केज रोटर का यूज़ किया है. दो वाइंडिंग्स है इसमें. ये मेन वाइंडिंग है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है. यहाँ पर भी हमें टू फेस इंडक्शन मोटर क्रिएट करना है, दो फेसेस क्रिएट करना है. तो अगेन यहाँ पर दो वाइंडिंग का हम यूज़ करेंगे, जैसे स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर में किया था, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग. बट इसमें चेंज ये है कि हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया है और साथ ही एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी कनेक्ट किया है. इसमें जो ये दोनों वाइंडिंग्स है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर डिस्प्लेस्ड है और इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है. और अब हम यहाँ पर जो ये कैपेसिटर हमने यूज़ किया है वो एक प्रॉपर रेटिंग का कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं. कैपेसिटर कनेक्ट करने से हमारा जो मेन एडवांटेज हमें मिलता है, हम इन दोनों वाइंडिंग्स के बीच में जो करंट है, जैसे मेन वाइंडिंग का करंट IM है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट IA है, तो इन दोनों का जो करंट है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है. मतलब जो IA होगा वो 90 डिग्री लीड करेगा और जो IM होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा. क्यों? क्योंकि जो IA के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है इस कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को, उसमें करंट हमेशा लीड करता है. तो जो IA करंट है वो IM करंट से 90 डिग्री लीड करेगा और IM करंट लैग करेगा. तो इस तरीके से हमने इन दोनों करंट्स के बीच में 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट ऑप्टेन कर लिया है, जिससे कि हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट कर पाएंगे. इसमें भी हमने ये जो मोटर है ये भी स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर की तरह ही वर्क करती है. मीन्स इसको हमने कहा है ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है. मीन्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं और जब हमारी मोटर 70-80% स्पीड गेन कर लेती है उसके बाद ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू हम इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सर्किट से डिसकनेक्ट कर देते हैं और मोटर अपनी रेटेड स्पीड से चलती रहती है. हम इस ऑपरेशन को, इन करंट्स के बीच के फेज डिस्प्लेसमेंट को एक फेजर डायग्राम से भी समझ सकते हैं. ये फेजर डायग्राम है, इसमें हमने वोल्टेज को रेफरेंस क्वांटिटी ली है. इसमें IA करंट जो है वो इस V को लीड कर रहा है, IM करंट जो है वो इसको लैग कर रहा है. IM और IA के बीच का एंगल जो फाई है वो नियरली 90 डिग्री है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारा मेन ये I करंट है. तो I करंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ IM एंड IA. दिस इज द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर. इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और यदि हम इसको रेजिस्टेंस स्टार्ट या स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर से कंपेयर करें तो इट इज़ मच हायर देन दैट मोटर. सो ये मोटर हमें हायर स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है और इसमें चूंकि हमने कैपेसिटर का यूज़ किया है इसलिए इसकी जो VA रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर है वो हमें हायर चाहिए होती है. इसलिए यहाँ पर जो हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है जो कि यूजुअली 250 माइक्रोफेरेड तक की वैल्यू का हो सकता है. और ये हमारी, जैसे हमने स्प्लिट फेस की स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, ये कंबाइंड जब मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों कंबाइंड चलते हैं, दोनों कनेक्टेड होते हैं सर्किट में, तो ये वाला कर्व उस कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है. इस पॉइंट पर, दिस इज द एनो पॉइंट, जब कि मोटर हमारी 70-80% स्पीड गेन कर लेती है, इस पॉइंट पर हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को डिसकनेक्ट कर देते हैं और मोटर जो है वो अपनी रेटेड स्पीड से चलती है. तो दिस इज द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडक्शन मोटर. इसमें भी जैसे हमने स्प्लिट फेस में देखा था, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की भी हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है उसे चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वन कनेक्शन ऑफ द वन ऑफ द वाइंडिंग, आइदर मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग. बट दोनों ही केस में हमें ये याद रखना है कि यदि हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है
तो पहले हमें मोटर को रेस्ट पोजीशन में लाना होगा, देन कनेक्शन को चेंज करना होगा और उसके बाद मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगी। यहाँ पर मैंने कुछ इस कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के एप्लीकेशंस इंक्लूड किए हैं। ये जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, चूँकि हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है, इसलिए हमें इस मोटर को वहाँ यूज़ करते हैं जिन लोड्स में हमें हायर इनर्शिया होता है और जिसको हमको फ्रिक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप करना होता है। तो दीज मोटर्स आर सुटेबल फॉर पम्प्स एंड कंप्रेसर एंड इट इज़ वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर कंप्रेसर एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर कन्वेयर्स एंड सम मशीन टूल्स। सो दिस इज द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। स्टूडेंट प्लीज स्टडी इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।